श्रोता बंधु आम पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार पंचम अध्याय सप्तम श्लोक कर्मयोगी अष्टम और नवम श्लोक सांख्ययोगी कर्म निर्लिप्तता संबंध में कही सारी एवं भगवान भक्ति योगी कर्म निर्लिप्तता संबंध में कहते आज आम व्याख्या करवा श्लोक नंबर 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिबम्भसा। एहर आक्षरिक अर्थ हैला जेउ भक्ति योगी समस्त कर्म परमात्मांक ठारे अर्पण करी ओ आसक्ति त्याग करी कर्म करे से जलरे पद्मपत्र परि पापरे लिप्त हुए नाही। व्याख्या ब्रह्मण्या धाय कर्माणि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबुकिछि भगवानकर निजर नुहे तेणु एमानंक द्वारा हेउथिबा क्रियाकु भक्ति योगी निजर बोली किपरि मानिबो तेणु ताहार एही धारणा रहे जे प्रत्येक क्रिया भगवानक द्वारा ओ भगवानक पाई ही हेउछि मु तो निमित्त मात्र भगवान निजे ही निज इंद्रिय मानंक द्वारा समस्त क्रिया करुछन्ति। ए कथा को ठीक भावे धारण करी समस्त क्रियार कर्तृत्व भगवान कठारे निहित बोली मानिबा हेउछि उपर्युक्त पदर अर्थ। शरीर आदि वस्तु निजर नुहे एगुड़िक मिलिछि ओ विच्छेद हेउछि मध्य एहा केवल भगवानक पाई भगवत प्रीत्यार्थे अन्यर सेवा पाई मिलिछि एगुड़िक उपरे आमर स्वतंत्र अधिकार नाही अर्थात आमे एगुड़िकु निज इच्छानुसारे रखि पारिबा नाही बदलै पारिबा नाही कि मला बेले साथीरे नेई जाय पारिबा नाही तेणु एही शरीरादिकु तथा एगुड़िक द्वारा घटित क्रियागुड़िकु निजर मानिबा सचोटता नुहे मनुष्य सचोट भावे मानिनेबा उचित जे एसबु भगवानकर। क्रिया और पदार्थ गुड़िकु कर्मयोगी संसार को ज्ञानयोगी प्रकृति को और भक्ति योगी भगवान को अर्पण करती प्रकृति और संसार उभयर स्वामी होती भगवान तेणु क्रिया और पदार्थ भगवान को अर्पण करवा ही श्रेष्ठ। संगं त्यक्त्वा करोति यः आसक्ति त्याग कहिले कौनसी भी प्राणी पदार्थ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण क्रिया आदि रे तिले मात्र भी अनुराग आकर्षण आसक्ति महत्व ममता कामना प्रभृति न रहिबाकु बुझाए। शास्त्र दृष्टिरु अज्ञान जन्म मरणर कारण होइथिले मध्य साधना दृष्टिरु राग बा आसक्ति ही जन्म मरणर मुख्य कारण राग उपरे ही अज्ञान तिष्ठि रहिछि राग नाश होइगले अज्ञान नाश होइजाए एही राग बा आसक्तिरु ही कामना सृष्टि हुए कामना ही समस्त पापर मूल तेणु एठी पापर मूल कारण आसक्ति को त्याग करिबाकु कुहा जायछि कारण एहा थिले मनुष्य पापरु रक्षा पाई पारे नाही एवं एहा न रहिले मनुष्य पापरे लिप्त हुए नाही। कौनसी क्रिया कला बेले क्रियाजनित सुख ग्रहण करिबारु तथा ताहार फल प्रति आसक्त हेबारु सेही क्रियार संबंध तुटे नाही बरं अधिक बढ़ी चले। कौनसी छोट बा बड़ क्रियार फल रूपे कौनसी वस्तु चाहिबा जे केवल आसक्ति ता नुहे बरं क्रिया करिबा समय रे निज ठारे महत्व ओ भलपणिया आरोप करिबा एवं अन्य ठारु प्रशंसा पाइबार आशा रखिबा मध्य आसक्ति तेणु निज पई किछि भी करिबा उचित नुहे। क्यों कर्मरु निज पई कौनसी प्रकार तिले मात्र भी सुख नेबार इच्छा रहिछि सेही कर्म निज पई होइ जाए निज सुख सुविधा और सम्मानर इच्छा सर्वथा त्याग करी कर्म करिबा ही उपर्युक्त पदर अभिप्राय। लिप्यतेन सपापेन पद्मपत्र मेबांभसा एठारे एक विशेष कथा हैला भगवान को सम्मुख होई भक्ति योगी संसार रे रही समस्त भगवत अर्थ कर्म कले मध्य तहिरे बांधी हुवंती नाही जेपरी पद्मपत्र जलरे उत्पन्न होई ओ जलरे रही मध्य जलरु निर्लिप्त रहे सेहीपरी भक्ति योगी संसार रे रही समस्त क्रिया करी मध्य भगवान को सम्मुख होइथिबारु संसार रे सर्वदा ओ संपूर्ण निर्लिप्त रहंती भगवान को प्रति विमुख होई संसारर कामना करिबा ही समस्त पापर मुख्य कारण
कामना आसक्ति रु उत्पन्न हुए। आसक्ति आदौ न रहिले कामना रही पारे नाही, तेणु पाप हेबार संभावना मध्य रहे नाही। धुआरे अग्नि थिबा परी सबु कर्म किछि ना किछि दोषरे युक्त, किंतु जिए आशा कामना ओ आसक्ति त्याग करि देछि ताकू एही दोष लागे नाही। आसक्ति रहित होइ भगवत अर्थ कर्म करिवार प्रभावरे समस्त संचित पाप विलीन हो जाए। एणु भक्ति जोगींकर पाप सहित कौनसी प्रकार संबंध रहे नाही। एठारे पापेन पद आगामी जन्मारंभर कारण हेउथिबा कर्मजनित पाप ओ पुण्यर फल बाचक। भक्ति जोगी से ही पाप पुण्य रूपक फल रे केबे लिप्त हुवंती नाही, अर्थात बांधी हुवंती नाही। एहा नवम अध्यायर 28 नंबर श्लोक रे शुभा शुभ फळै रे एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही पदरे कुहा जाइछि। एही श्लोकर परिशिष्ट भाव हैला एठारे सगुण ईश्वरंकु ब्रह्म कहिबार उद्देश्य हैला जे ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सबु किछि अटंती, कारण से हेउछंती समग्र, समग्र रे सबु किछि अंतर्भुक्त। श्रीमद् भागवतरे मध्य ब्रह्म परमात्मा ओ भगवान तीनिंकु एक बोली प्रतिपादित करा जायछि। तात्पर्य हैला ब्रह्म परमात्मा ओ भगवान तीनि हे सगुणर अंतर्गत होइ जाउछंती, मात्र केवल ब्रह्म ही निर्गुणर अंतर्गत हेउछंती, कारण निर्गुण रे गुण नाही, एणु निर्गुण सीमित ओ सगुण समग्र अटंती। वैष्णव माने सगुण साकार भगवानकर उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहंती। अर्जुन मध्य भगवान श्रीकृष्ण को ब्रह्म कहिछंती, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान। गीतारे ब्रह्मर तीनोटी नाम कुहा जायछि, ओं तत् ओ सत्। नाम और नामीर संबंध थिबारु एहा मध्य सगुण बोली प्रतिपादित हेउछि। श्रोता बंधु आज पई एतिकी, धन्यवाद। राधे राधे।